मणिपुर के चुराचांदपुर सिंहहट में 13 नवंबर सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे के करीब यानी यस्टरडे 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिप्लव त्रिपाठी जो कि चंडीगढ़ रायगढ़ जिला के रहने वाले हैं उसको निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में कर्नल उसकी पत्नी और 9 साल का बेटा मौके पे ही दम तोड़ दिया। वही 4 जवान शहीद हो गए। इस हमले की आधिकारिक तौर पे किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर पीपल्स लिबरेशन ने इसे अंजाम दिया है। टेररिस्ट ने ये हमले को उस समय पे अंजाम दिया जब कर्नल बिप्लव त्रिपाठी फॉरवर्ड कैंप से वापस आ रहे थे। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि चूड़ाचांदपुर में मैं खुद बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके आया और वो भी मतलब 4-5 दिन पहले की बात है, एक हफ्ता जैसा ऐसा ही होगा। और एक रीजन है, चाहे आप कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको बात करना चाहिए क्योंकि सोल्जर शहीद हो गया तो बात करना चाहिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा होगा, वो ये है कि अभी ये सिचुएशन पे मणिपुर पे ट्रेवल आप ना करें। वैसे ही जो जितना सारा जवान है बहुत सारी तादाद में मौजूद है वहां पर, तो कुछ नेगेटिव इशू भी आ सकता है चेकिंग वगैरह का, ठीक है। तो अभी ट्रैवल ना करें, कुछ दिन बाद ट्रैवल करें जब तक ये सिचुएशन थोड़ा हल्का होगा। और कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये बारे में बात करो यार, क्योंकि अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना कि जवान शहीद हो गया तो बात करना चाहिए, और कोई मकसद नहीं है ये वीडियो बनाने का मेरा। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो हर संडे 1 PM पे मेरा वीडियो आता है जो कि ट्रैवल ब्लॉग होता है, और आज भी आने वाला है ब्लॉग, तो देखिएगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, बात कीजिएगा क्योंकि जवान हम लोगों का शहीद हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, देख लेना एक बार।